कानपुर देहात में पटाखे के चलते 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। लड़के के परिवार वाले गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक बच्चों के सुतली बम चलाने के दौरान यह हादसा हुआ है। आरोप के मुताबिक बम को आग लगाने के बाद जाहिद ने स्टील के गिलास से उसको धक्का और बम फटने से गिलास के टुकड़े हुए। एक टुकड़ा बच्चे की गर्दन पर लगा, इससे बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है। यहाँ पे दुकान उकान किए हुए थे मीट की, वो लड़के भी चले आए। इसके बाद में यहाँ पे पटाखा के चल रहा था, काफी लड़के थे इसमें। कुछ जो है इधर जो है लड़के होते भी ऐसे जो है जो कि आ जाते दौड़ के, लेकिन कुछ ऐसा बात हुआ जो है जो कि वहाँ पे कुछ ही देर में लड़का गिर पड़ा। जो है जब एक लड़का दौड़ते हुए वहाँ पे बुलाने गया, हम लोग उधर से आए तो देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई है। देखिए, आप सभी को विदित है कि ताना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव सिटमरा में एक 10 साल का बच्चा आर्यन पुत्र अनिल चक्रवर्ती को गले में दरदर वस्तु से चोट लगकर मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत मैं डीएम महोदय, बाकी अन्य सक्षम अधिकारी और बाकी अन्य विभाग मौका मुआयना किया है। जितने भी लोगों के ऊपर परिवार ने शक जताया है, सबको हमने हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है।